इस महीने 8 तारीख को करीब 8 बजे मधुरा नगर एसआर नगर लिमिट्स में एक टीवी आर्टिस्ट रावणी आत्महत्या करके अपनी जान ली। उसमें इन्वेस्टिगेट करने के बाद आज दो लोगों को देवराज रेड्डी और साई कृष्णा रेड्डी दो लोगों को अरेस्ट करे एसआर नगर पुलिस। इसमें 2012 में काकीनाडा से श्रावणी इधर टीवी आर्टिस्ट बनने के लिए यहाँ पे हैदराबाद आई। उसके बाद में 2015 में साई कृष्णा रेड्डी के अकादमी से उसका इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद में 3 साल तक करीब वो लोग अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करे। करीब 2017 में अशोक रेड्डी एक प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूसर प्रेमा तो कार्तिक के मूवी में श्रावणी को एक छोटा रोल अपने फिल्म में दिया हो, उसके बाद में उसके साथ भी उसके रिलेशनशिप मेंटेन हुआ। अभी 2019 में देवराज रेड्डी एक टिकटॉक आर्टिस्ट है, वो टिकटॉक के जरिए से ये श्रावणी ये जो टीवी आर्टिस्ट है उसका परिचय हुआ। ये तीनों लोग अपने रिलेशनशिप अलग अलग से मेंटेन करते थे। 1 साल के बाद करीब ये देवराज रेड्डी को मालूम हुआ कि इसके श्रावणी को इन दोनों के साथ भी पहले से रिलेशनशिप है करके, इन बीच में झगड़ा हुआ और साई कृष्णा रेड्डी जो है वो देवराज रेड्डी से दूर रहने के लिए वो भी वार्निंग दिया। तो इस बीच में साई कृष्णा रेड्डी अशोक रेड्डी श्रावणी के पेरेंट्स के साथ देवराज रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन दिए, कई जगह उसको उसके रिलेटिव भी उसको मारने लगे। उसके बाद में एक एफआईआर पंजागुटा पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हुआ। ये पूरा प्रेशर में तीनों लोगों के बीच में और पेरेंट्स के प्रेशर में आके श्रावणी कुछ डिसाइड नहीं कर पाई। उसके मतलब जो पहले एक डेथ से पहले जो सुइसाइड से पहले जो उसका टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुआ देवराज रेड्डी से, उसमें ये साई कृष्णा रेड्डी और अशोक रेड्डी वो पेरेंट्स के साथ पूरे मिलके उसको हरास करे और उसको धमकी दिए करके उसका एलिगेशन था। उसके बाद में चंद मिनट के बाद श्रावणी अपने घर में मधुरा नगर में हैंगिंग करके सुइसाइड कर ली। तो आज उसी सिलसिले में ये दो अक्यूज जो है साई कृष्णा रेड्डी और देवराज रेड्डी को आज अरेस्ट करें। इसमें जो A2 है अशोक रेड्डी उसको भी अरेस्ट करना है।